एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्लचर की मदद से। देखिए कितने हेयर स्टाइल बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ 5 या 10 तो बना ही दूंगी। तो कितने हेयर स्टाइल हैं सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। बहुत ही सुंदर और इजी हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। मेरा एक और चैनल है सिलाई कोर्स प्रीति तिवारी, जिसमें मैं सिलाई से रिलेटेड सारी वीडियोज लेकर आते रहती हूँ। सिलाई में जो बारीकियाँ होती हैं सब कुछ बताती हूँ। तो जाकर उस चैनल को भी चेकआउट कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंस्टा आईडी प्रीति24 है। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बालों को ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेनी है बालों की। ओके, दोनों साइड से। बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल है ये। आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से पोनी बना लेनी है एक। अच्छे से टाइटली रबड़ बैंड को लगा लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट लगे कि आपका स्कैल्प दर्द होने लग जाएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा हेयर को इस तरीके से खींच सकते हो। इससे आपका हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा दिखेगा और आपके स्कैल्प में पेन भी नहीं फील होगा, आपको कितना भी लंबा टाइम के लिए हेयर स्टाइल रखना हो। तो इस तरीके से मैंने खींच लिया है। उसके बाद से क्या करना है, सिंपली आपको सारे हेयर्स को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ पर क्लचर लगा देना है। क्लचर लगाने के बाद से सारे बालों को फिर से नीचे की तरफ लेके जाओगे। ओके, और एक छोटा वाला रबड़ ले लीजिए यहाँ पे। इतना रबड़ को इतना लंबा लेना है हेयर को कि आपका जो क्लचर है वो अच्छे से हाइड हो जाए। इस तरीके से बालों को फैलाते हुए यहाँ पे आप रबड़ को लगा दोगे। अगर लंबे बाल हैं तो और भी प्यारा लगेगा ये हेयर स्टाइल। अगर लंबे बाल हैं तो इस हेयर को दो पार्ट में डिवाइड करके बंद के चारों तरफ लपेट दीजिएगा। अगर मेरी तरह छोटे हैं तो आपका जो हेयर है उसको सारे हेयर को जो आपने ये रबड़ बैंड लगाया है उस हेयर के सारे अंदर की तरफ इस तरीके से करना है। और एक यू पिन से अच्छे से इसको सेट कर लेना है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब बारी आती है फ्रंट वाले हेयर को, हेयर की। तो इसको क्या करना है, आपको इस साइड के हेयर को अच्छे से कॉम करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है, और इस साइड के हेयर को इस साइड लेके जाना है और इस तरीके से लपेटना है बालों के चारों तरफ, क्लचर के चारों तरफ, और यहाँ पे यू पिन से इसको सेट कर देना है। फिर से सेम इस साइड के हेयर को लेना है और इसको इस साइड में लेके जाएंगे। इस तरीके से लुक आएगा कुछ, और इसको यहाँ पे लपेट के यहाँ पे क्लचर लगा देना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल। कहीं से भी आपका क्लचर दिख रहा है तो उसको अच्छे से आप हाइड कर लीजिएगा। ब्लैक क्लचर का यूज कीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया क्लचर के साथ। आगे से थोड़ा सा पफ का लुक देना है, तो इस तरीके से बालों को खींच सकते हो। और ऑफिस गोइंग गर्ल के लिए वाला हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकंड हेयर स्टाइल में फिर से एक पोनी बना लेनी है। तो ये हमने पोनी बना ली है। इसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपली सारे बालों को इस साइड पे इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे रबड़ बैंड के ऊपर ही क्लचर को लगा देना है। उसके बाद से सारे बालों को ट्विस्ट करना है, देन क्लचर के चारों तरफ इस तरीके से लपेटते हुए यू पिन से सेट कर देना है। और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। बहुत ही है ना, बहुत ही इजी।
और काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसको जींस टॉप के साथ, सूट के साथ भी बना सकते हो। ये है सेकंड बन का फाइनल लुक। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में क्या करना है, आपको सिंपली बन को ओपन करना है और जो आपने पोनी बनाई हुई है इसी में एक होल करना है। इस तरीके से थोड़ा सा लूज कर दीजिए रबड़ बैंड को और यहाँ पे होल कर लीजिए। और जो आपका ये एक्स्ट्रा हेयर हैं, इन सारे हेयर को इस होल के अंदर से इंसर्ट करते हुए ऐसे खींच लेना है। ओके, खींचने के बाद से क्लचर को यहाँ पे लगा देना है और सारे बालों में बालों को अच्छे से कॉम करते हुए यहाँ पे एक रबड़ लगाना है। और क्लचर को अच्छे से हाइड कर देना है और यहाँ पे ये जो रबड़ बैंड है इसके पास इसको यू पिन से सेट कर देना है। अच्छे से बालों को, सॉरी, क्लचर को हाइड करते हुए पिंस लगा लीजिए। उसके बाद से जो इधर हेयर बचे हुए हैं इसको सिंपली ट्विस्ट कर लीजिए। टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करके इसको राउंड राउंड लपेटना है और ये जो अपना आपका रबड़ है इसके ऊपर ही रख के यू पिन से इसको भी सेट कर देना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा, पार्टी वियर बन हो जाएगा ये। तो ये है ना बहुत ही सुंदर सा फ्रेंच बन का लुक दे रहा है ये हेयर स्टाइल। और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा बालों को खींच सकते हो। और ये है हमारा तीसरे बन का फाइनल लुक। चलते हैं चौथे बन की तरफ। चौथे बन के लिए पहले इस बन को ओपन कर लेते हैं। चौथे बन के लिए इस तरीके से मैंने पोनी बना ली है। उसके बाद से सिंपली आपको सारे बालों को ऊपर की तरफ लेके जाना है और क्लचर से, क्लचर को यहाँ पर एकदम जस्ट रबड़ के पास इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद से बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड करके इधर के सारे हेयर्स को सिंपली ट्विस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे लपेटना है और यहाँ पे ऐसे लपेटते हुए यू पिन से सेट कर देना है। फिर से इस साइड के हेयर को अच्छे से कॉम कर लीजिए और इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेट के और इसको भी यू पिन से सेट कर देना है। तो ये वाला हेयर स्टाइल भी काफ़ी, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आएगा और काफ़ी अच्छा दिखता है ये। तो बैक से इस तरीके का लुक है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाई बन बन गया है ये। और फ्रंट से थोड़ा सा इसको खींच लीजिए बालों को ताकि अच्छा लुक दिखे आपके बालों का। साइड से आप लेयर्स निकाल सकते हो। तो ये हमारा चौथा हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। पांचवा हेयर स्टाइल भी हमारा बहुत इजी होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सारे बालों को इस तरीके से हेयर, सॉरी, फिंगर्स को नीचे की तरफ से लेके आना है। इस तरीके से देखिए ऐसे लेके गए हैं, ऐसे पकड़ना है, ऐसे ट्विस्ट करना है और थोड़ा सा लूज रखना है इसको और इसको बन के चारों तरफ लपेट देना है एक्स्ट्रा हेयर को। फिर हम लोग इस तरीके से पूरा जो हमारा रबड़ बैंड है वहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे और क्लचर को सिंपली इसके ऊपर लगा देना है। तो ये हमारा पांचवा बन हो गया। छठे बन के लिए क्या करना है, इसको भी थोड़ा थोड़ा आगे से खींच लेंगे। छठे बन में आपको यही वाले हेयर को
जैसे पांचवा बंद तो हमारा इस तरीके से था, आप यहाँ पे एक यूपिन लगा दीजिएगा इस तरीके से, तो ये हमारा पांचवा बंद हो गया। छठे बंद में इसको यूपिन्स को निकाल देना है और जो ऊपर से हेयर थे उनको सारे को से क्लचर को अच्छे से हाइड करना है। या फिर थोड़ा सा छठे बंद के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से थोड़ा सा टाइटली रखना है, इस बार लूज नहीं करना ज़्यादा, और इसको ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे क्लचर को यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद से बाकी हेयर्स को क्लचर के ऊपर से इस तरीके से फैला देंगे और यू पिन से इसको सेट कर देंगे। तो ये हमारा छठा हेयर स्टाइल हो गया। सातवें हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, पहले इस वाले हेयर स्टाइल को ओपन कर लेते हैं। सातवें हेयर स्टाइल में इस तरीके से बालों को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, जस्ट रबड़ के ऊपर आपको क्लचर को लगा देना है। ओके, उसके बाद ये सारे बालों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे अच्छे से इस तरीके से क्लचर को हाइड करते हुए, क्लचर को हाइड करते हुए एक रबड़ बैंड लगा देंगे। इसके बाद से बाकी बचे हेयर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपली ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करने के बाद से इस साइड के ट्विस्टिंग को इस साइड लेके आएंगे। ओके, और बन के इस तरीके से बन के साइड में लपेट के यू पिन से इसको सेट कर देंगे। सेम दूसरी साइड के हेयर को भी करना है, थोड़ा सा टाइटली ले जाइएगा ताकि खुल ना जाइए। ओके, इस साइड के भी हेयर को ट्विस्ट करेंगे। इसको इस साइड लेके जाएंगे और दूसरी साइड ले जाके यू पिन से सेट कर देंगे। और रबर बैंड को अंदर की तरफ इन करते हुए यहाँ पे एक यू पिन और लगा देंगे ताकि आपका रबर बिल्कुल भी दिखे ना। और ये हमारा आठवां हेयर स्टाइल हो गया। सॉरी, सातवां हेयर स्टाइल हो गया। आठवें हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या करना है, ये वाला हेयर स्टाइल आप देख लीजिए और इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। चलते हैं आठवें हेयर स्टाइल की तरफ। आठवें हेयर स्टाइल के लिए भी सिंपली मैंने यहाँ पे पोनी बना ली है। उसके बाद से पोनी को नीचे की तरफ करते हुए यहाँ पे इस तरीके से क्लचर को ऐड कर देना है। ओके, फिर बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरीके से, और इस साइड वाले पार्ट्स को इस साइड लेके जाना है और क्लचर के साइड में लपेटते हुए यू पिन से सेट कर देना है। फिर इस साइड के थोड़े से हेयर लेने हैं और उसको इस साइड लेके आना है और क्लचर के चारों तरफ लपेटते हुए यू पिन से सेट कर देना है। बाकी बचे हेयर्स को सिंपल ब्राइड बनानी है। सिंपल ब्रेड बना के इसको ये वाला हेयर स्टाइल मैं दोबारा बना रही हूँ क्योंकि एक बार मेरा वीडियो ऑन ही नहीं हुआ था। ऊपर की तरफ लेंगे सारे बालों को हाइड करते हुए,
और इस तरीके से यू पिन से सेट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा हेयर दिख रहा है इसको ये ब्राइड के अंदर हाइड कर देंगे। और ये हमारा आठवां हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। आगे से आप थोड़ा थोड़ा इसको खींच सकते हो अच्छा लुक दिखाने के लिए, पफ लुक, पफी लुक दिखाने के लिए बालों का। चलते हैं नौवे हेयर स्टाइल की तरफ। तो इस तरीके से मैंने नौवा हेयर स्टाइल बनाया। नौवा हेयर स्टाइल आई थिंक कि दिखा नहीं आप लोगों को, तो फिर से बता देती हूँ। मैंने एक पोनी बनाई है, देन इसके ऊपर जस्ट पोनी के रबड़ के ऊपर मैंने क्लचर लगाया है। बालों को टू पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया था। नौवा हेयर स्टाइल भी मैंने दोबारा बना रही हूँ क्योंकि वो वीडियो कट हो चुकी है। और इस तरीके से इसको क्लचर के चारों तरफ लपेट देना है और इस साइड वाले लेयर को भी क्लचर के चारों तरफ लपेट देना है। ओके, फिर से जो हेयर बचे हुए हैं क्लचर के चारों तरफ लपेटने के बाद से यूपिन से सेट कर लीजिएगा। ओके, फिर से जो हेयर बचे हुए हैं इसको सिंपली आप एक फर्स्ट ही लेयर लेके इस तरीके से क्लचर के चारों तरफ लपेट के और यू पिन से सेट कर दीजिए। तो ये हमारा नौवा हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं दसवें और आखिरी हेयर स्टाइल की तरफ। दसवां हेयर स्टाइल मेरा एवरीडे हेयर स्टाइल है। मैं डेली यही हेयर स्टाइल बना के रखती हूँ घर में और काफ़ी आप लोग के साथ, आप लोग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पहले मैं इस हेयर स्टाइल को ओपन कर लेती हूँ और दसवां हेयर स्टाइल आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। दसवें हेयर स्टाइल के लिए थोड़ा सा पोनी आपको ऊपर की तरफ बनाना है, मतलब हाई पोनी बना लेनी है। उसके वैसे सिंपली अपने बालों को इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट करना है और यहाँ से इस तरीके से लपेटते हुए और यहाँ पे ऐसे करके आप सिंपली क्लचर ऐड कर दो। आप चाहो तो छोटा वाला क्लचर भी ऐड कर सकते हो। इस हेयर स्टाइल के साथ छोटा वाला क्लचर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये वाला क्लचर मैंने यहाँ पे ऐड किया है दसवें हेयर स्टाइल में। अच्छे से क्लचर को हाइड कर दिया है, उसके बाद से एक यू पिन लगा दी है। ये वाला हेयर स्टाइल बना के आप मार्केट भी जा सकते हो, शॉपिंग करने जा रहे हो तो भी जा सकते हो। काफ़ी इजी है और बहुत कंफर्टेबल है। सबसे अच्छी बात कि कंफर्टेबल है गर्मियों के सीज़न के लिए। तो आज के सारे 10 हेयर स्टाइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आपको सबसे अच्छा कौन सा हेयर स्टाइल लगा और कौन सा सबसे ईजी लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा इस टाइप का हेयर स्टाइल आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ गाइज, और भी जो मैं हेयर स्टाइल डालती हूँ सब अमेजिंग होते हैं। सब मैं अपने माइंड से सोचते रहती हूँ और फिर कुछ डिफरेंट सा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो सारे हेयर स्टाइल देखिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल आज की वीडियो में कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।